हल्द्वानी में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। काठगोदाम थाना और एसओजी की संयुक्त टीम ने स्मैक और चैन स्नैचिंग के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हल्द्वानी में कबाड़ का काम करता था और अपने गांव जाकर कई बार स्मैक लेकर आता था। आरोपी बदायूं कम पैसों में स्मैक लाकर हल्द्वानी और पर्वतीय जिलों में ऊंचे दामों में बेचता था ताकि उससे अधिक मुनाफा हो सके। इसके अलावा पुलिस ने चैन स्नैचिंग के मामले में भी खुलासा किया जिसमें मुखानी थाना क्षेत्र में हुई इस घटना को 23 वर्षीय युवक ने अंजाम दिया है जो हल्द्वानी में किराए के मकान में रहता था। आरोपी ने 5 फरवरी को चैन स्नैचिंग कर फरार हो गया। SSC पंकज भट्ट ने बताया कि आरोपी अनुराग गंगवार के हाथ से एक पीली धातु की चेन बरामद की गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रुपेश पांडे जी द्वारा 7 तारीख को एक तहरीर मुखानी थाने में दी गई कि उनकी माताजी जब वापस बाजार से आ रही थी तो एक चेन स्नेचर द्वारा उनकी माताजी की चेन छीनी गई। इसमें 392 का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अनुराग गंगवार करके युवक का नाम प्रकाश में आया। इसमें करीब 100 CCTV का पुलिस द्वारा अवलोकन किया गया। शुरू में भागते हुए मास्क पहना हुआ था, बाद में इसके द्वारा जब मास्क उतारा गया तो उसके आधार पर पुलिस ने जस पाम से इसको गिरफ्तार किया गया है। और